तो एक तरफ तो आने वाले दिनों में निकाय चुनाव की तैयारी है, तो वही दूसरी तरफ सरकार की तरफ से नगर निकायों के विकास के लिए लगभग 400 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली 1360 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बजट सत्र के बाद कभी भी निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। अंबाला नगर परिषद के विकास कार्यों के लिए सरकार ने सबसे ज्यादा 29 करोड़ 40 लाख की 236 परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी है, तो वही लाडवा नगर पालिका के लिए सबसे कम 58 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। गठबंधन सरकार के लिए निकाय चुनाव बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि गठबंधन सरकार बनने के बाद हुए चुनाव और उपचुनाव में बहुत बेहतर परिणाम गठबंधन के लिए देखने को नहीं मिले थे। आज सवाल आपका में चर्चा करेंगे निकाय चुनाव से जुड़े कुछ सवालों पर। पहले उस सवाल आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव की बारी, सियासी दलों की तैयारी क्या है, हर पार्टी तैयारी करती है कैसी है, संबल पर लड़ेगा गठबंधन, संबल पर क्या विपक्ष का भी मन है, विकास के लिए करोड़ों स्वीकार, किसकी बनेगी शहरी सरकार, ये बहुत अहम सवाल है। जनता का झुकाव किस तरफ, किन मुद्दों पर होगा चुनाव, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ एक सवाल है, इन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, उन दोनों से चर्चा करेंगे निकाय चुनाव को लेकर, उनकी तैयारी क्या है, किन मुद्दों पर चुनाव होगा और क्या संबल पर, चाहे गठबंधन की बात हो या फिर विपक्षी पार्टियों की बात हो, वो ये चुनाव अपने पार्टी के संबल पर लड़ेंगे। मेरे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय कराता हूं। अजय सिंगला प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ है। सिंगला साहब बहुत स्वागत है आपका। भाग सिंह दमदमा प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से मेरे साथ है। भाग सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले भाग सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। निकाय चुनाव को लेकर तैयारी सभी सियासी पार्टियां कर रही हैं और आने वाले दो चार रोज में और भी कहीं ना कहीं सियासी जो है तैयारी और गहमा गहमी ज्यादा देखने को मिल सकती है। ये भी जानकारी मिल रही है कि बजट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, पर पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि गठबंधन सरकार जननायक जनता पार्टी और बीजेपी क्या संबल पर चुनाव लड़ेंगे, और संबल पर चुनाव लड़ेंगे तो फिर तैयारी क्या है, ये जरा आपसे समझना चाहूंगा। देखिए शमशेर जी, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव है वो काफी देर से पेंडिंग भी है कई जगह पर, लगभग 52-55 जगह ऐसी है जहां पर निकाय चुनाव आए, और इसके अंदर सरकार की चुनावों को लड़ने के लिए पूरी तैयारी है। और जिस प्रकार अभी हमारी सरकार ने 385 करोड़ के लगभग जो राशि जारी की है प्रदेश के लिए, वो डेवलपमेंट के लिए चुनाव, हमारा डेवलपमेंट के लिए चुनाव होगा। हम चाहते हैं कि हर तरह से हर शहर हर वार्ड का पूर्ण रूप से विकास हो और जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो नागरिकों को मिलनी चाहिए, जिसमें हम और ज्यादा प्रयास इन स्थानीय निकाय चुनाव के बाद करेंगे। और जिस प्रकार आपका सवाल था बड़ा वाजिब है कि सरकार के अंदर जो चुनाव है वो मिलकर या सिंबल में किस प्रकार लगे, देखिए जो अंतिम फैसला होता है वो दोनों दलों के शीर्ष नेता हमारे करेंगे, लेकिन जहां तक है कि हम चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और जो हमारा मुख्य बात रहेगी कि जो चेयरपर्सन का चुनाव होगा, प्रधान का चुनाव होगा, जैसे अध्यक्ष का चुनाव होता है नगर पालिका नगर परिषद में, ये चुनाव मेरा मानना है कि सिंबल पर लड़े जाए। और जहां तक अभी पिछला जो तजुर्बा है पास है, जो पार्षद के चुनाव है उसके बारे में हमारी एक बैठक होगी, एक कोर कमेटी की बैठक होगी जिसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा कि पार्षद का चुनाव सिंपल पर लड़े या किस तरह लड़े। लेकिन मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा, जो चेयरपर्सन या चेयरमैन का चुनाव होगा, अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, वो पार्टी सिंबल पर, ठीक जी शमशेर, चेयरमैन का चुनाव होगा, अध्यक्ष का चुनाव होगा, वो संबल पर लड़ेगा। और गठबंधन को लेकर थोड़ा सा इशारा जैसे आपने किया, गठबंधन पर आप लोग जाएंगे ये मान लिया जाना चाहिए, दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। सिंगला साहब देखिए, भाग सिंह इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग सिंह दमदमा ने कहा कि गठबंधन सरकार है, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, अध्यक्ष पद की बात है, चेयरमैन की बात है, तो वो संबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपके पास और आ रहा हूं, उससे पहले दर्शक मेरे साथ हैं नीरज जगाधरी से, उनका जरा सवाल क्या जान लेते हैं। नीरज जी स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर मैं आपको आपके हर चैनल के स्टाफ वालों को नमस्कार करता हूँ कि आपका चैनल एक गरीब आदमी की आवाज भी सुनता है और प्रवक्ता से उठाता है, और मैं दोनों कांग्रेस नेता को और जेजबी नेता को नमस्कार करता हूँ हाथ जोड़ के। मेरा जेजबी नेता से ये अनुरोध है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हम जो 10वीं के बाद किसी कारण अगर पढ़ नहीं सके, हम पीएन का काम करते हैं, 10,000 से भी कम हमारा वेतन है, हम बच्चे पालने में असमर्थ है, आपके उप मुख्यमंत्री ने हमारे लिए क्या सोचा, और इस सत्र में जो 2 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा कि उप मुख्यमंत्री जो हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो 10वीं के पास आप तक किसी कारण पढ़ नहीं सके, हमारे 15,000 रुपए घोषित कर देंगे, क्योंकि मैनेजमेंट का वेतन वहाँ 3-3 लाख रुपए होता है प्राइवेट, उसमें उनका वेतन बढ़ जाता है, हमारा नहीं बढ़ता क्योंकि हम गरीब है जी। नीरज सवाल अक्सर नीरज जब इस तरह की चर्चाओं में हम बातचीत करते हैं तो सवाल उनका यही होता है, मैं आपके पास लूटूंगा सिंगला साहब, लेकिन छोटा सा कमेंट भाग सिंह जी से ले लेता हूं, बजट सत्र में क्या इस पर बात होगी, क्या
इनका यह कहना है कि 8,000 रुपए 10,000 रुपए में घर खर्च नहीं चलता है, मैनेजमेंट का प्राइवेट सेक्टर में 3-3 लाख रुपए, हालांकि उनका अपना एक अलग अपना तरीका है, अपने तरीके से वेतन वगैरह वो निर्धारित करते हैं, पर एक पीएन की बात कर रहे हैं, चपरासी की बात कर रहे हैं, उसको लेकर क्या आपका मानना है? हाँ शमशेर जी, जहां तक नीरज भाई ने बात बताई है कि 8,000 या 10,000, मुझे ये नहीं पता कि ये काम कर, देखिए जिनको 9,000 या कुछ वेतन मिल रहा है, मेरा मानना है कि जिस प्रकार पब्लिक हेल्थ में है ऑपरेटर, वो पार्ट टाइम जॉब है सरकार की, वो रेगुलर फुल टाइम जॉब नहीं है। उसके अंदर मैं मानता हूँ किसी को 9,000, 9,500 इस तरह का प्रदेश के अंदर दिया जा रहा है, लेकिन वो पार्ट टाइम जॉब है। लेकिन यदि परमानेंट आप सरकार के पास, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू चाहे किसी के थ्रू हो, वो आपकी योग्यता के हिसाब से 12-14 हजार कुछ आपका कटता है, पीएफ वगैरह 14,000 के आसपास है, जो 12-13 हजार के आसपास तो मिल रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता आप कहाँ पर। लेकिन हाँ, अब जो हरियाणा कौशल विकास रोजगार निगम बनाया गया, वो इसी चीज के लिए बनाया गया कि हरियाणा के किसी भी युवा के साथ कोई कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई किसी तरह का जो रोजगार दे रहा है, वो किसी तरह की जाती ना कर पाए। ये एक निगम बन चुका है पूरे प्रदेश के अंदर, आपकी जो सैलरी है वो निगम से तय होगी। यदि कहीं कॉन्ट्रैक्टर बीच में होता है तो कॉन्ट्रैक्टर का सिर्फ इतना रोल होगा कि वो आपका जो सैलरी है अपने, जिस प्रकार से जो एक सिस्टम है कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम है, वहां से आपकी जाएगी। लेकिन मेरा आप यकीन मानिए कि जो स्लैब बने हैं पूरे प्रदेश में, 3 स्लैब बने हैं जिसमें पंचकुला हमारा और कई डिस्ट्रिक्ट उसके साथ है, और यमुनानगर ये भी एक सेकंड स्लैब के अंदर आपके, तो आपकी सैलरी की भी बढ़ोतरी यकीन मानिए 100% आपकी सैलरी की बढ़ोतरी होगी। और सेशन के ऊपर इस बारे में पूर्णता विचार किया जा रहा है कि हरियाणा कौशल विकास रोजगार निगम को हम किस तरह से प्रभावी ढंग से, जिसका लाभ हमारे युवाओं को मिल सके, वो हम किस प्रकार से लागू करें, इसके ऊपर पूरी तरह से चर्चा होगी। और आप सबके साथ बहुत न्याय भी होगा और आपका जो परिवार है उसके पालन पोषण में आपको दिक्कत ना है, सरकार इस तरफ से कदम उठाए। ये नीरज अक्सर सवाल उठाते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार बजट सत्र में इस पर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। सिंगला साहब, आपसे जरा सवाल यही कि निकाय चुनाव को लेकर तैयारी सत्ता पक्ष गठबंधन में जाने की कर चुका है, और उसमें मेयर की बात कर लेते हैं, अध्यक्ष की चेयरमैन की बात हम करें, तो ये संबल पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है इन चुनाव को लेकर? हालांकि ये माना जा रहा है कि अप्रैल में ये चुनाव संभावित हैं और जून के महीने से कहीं ना कहीं जो निकाय की सरकार है वो प्रशासन चला रहा है, विकास कामों को लेकर जहां तक एक स्थानीय प्रतिनिधि की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, शायद उस तरीके का, उस प्रकार का विकास जो है आमजन अफसरों के पास जाए, अपने प्रतिनिधि के पास जाए, तो दोनों चीजों में बड़ा अंतर होता है। पर आपके लिहाज से समझना चाहूं क्या क्या तैयारी कांग्रेस पार्टी की? शमशेर जी, कांग्रेस पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार है, चाहे वो चुनाव छोटा हो चाहे वो बड़ा जी। और रही बात सिंपल पर लड़ने की, अभी हमारा फैसला नहीं हुआ है, लेकिन पिछले चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद का चुनाव सिंपल पर लड़ा था। जो भी फैसला होगा, और हो सकता है यही फैसला हो, ये चुनाव जो हमारी समिति बनेगी वो निर्धारित है। अभी मैं आप सिंह जी एक ही हलके से आते हैं, कालका हलके, मेरे छोटे भाई हैं, आदरणीय है जी। अभी आप विकास की बात कर रहे हैं, मैं एक नमूना, हम तो एक हलका कालका है, एक है 90 में से। अगर आदरणीय भाग सिंह जी ये कहने के लिए आज तैयार हैं, जो ये कह रहे हैं कि कालका हलके में विकास हुआ है इनकी सरकार में, तो ये एक बहुत ही हास्यास्पद बात होगी। इनको भी पता है, जानते हैं ये, इतना विकास हुआ है कि आज कालका की जनता एसडीएम कोर्ट के बाहर भूख हड़ताल पर बैठी है, खड्डे भरवाने के लिए सड़कों के, इतना विकास हुआ है। ये कहेंगे टेंडर हो गया, पता नहीं हुआ नहीं, अभी एसडीएम महोदय कह रहे थे कि अभी पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ये कहेंगे टेंडर हो गया, ऐसा कुछ ऐसा है कि टेंडर होना है, लेकिन खड्डे भरवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठी है जनता कि खड्डे भर दो। कल एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया खड्डे के कारण, इनोवा पलट गई, ये इतना विकास हुआ है। और कालका हलके में, क्योंकि हम एक नमूना ले रहे हैं 90 में से, मैं नहीं कह रहा, कालका हलके में नगर परिषद में लोग सुबह से शाम तक धक्के कहते हैं, ना कोई नाली बन रही है ना कोई गली बन रही है, एक नमूना है हम दोनों के एक ही हलके का। अभी आप 90 निकाय विकास के लिए कालका के लिए 5.5 करोड़ की बात हो रही है। एक मिनट आ रहा हूं आपके पास मैं, ये 5.5 करोड़ रुपए की बात हो रही है, कई विकास परियोजनाओं को लेकर बात हो रही है, ये कहां पे खर्च होंगे? आपको लगता है कि इनसे काम हो जाएगा? आपको क्या लगता है कालका
जो निकाय की बात मैं कर रहा हूं, शहरी निकाय की, उसमें ये बहुत माकूल है इतना खर्च, जो इस वक्त 5.5 करोड़ की बात हो रही है? जी बिल्कुल, आपसे पूछ रहा हूं सिंगला साहब। हम कहते हैं कुछ दो तो सही, भाषणों से नहीं चलेगा। ना तो एमएलए निधि मिल रही है, ना निकायों को फंड मिल रहा है। अब फंड देने की बात हो रही है, जनता ना अंधी है, ना बहरी है, ना गूंगी है, सब देख रही है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, विकास का ना होना, किसानों के प्रति संवेदनहीनता, इन सब के प्रति वोट करने वाली है ये जनता। और निकाय चुनावों में परीक्षा है इस सरकार की, और इस परीक्षा में सरकार फेल होने जा रही है। मैं आपके चैनल पर बैठकर ये सबका अपना एक दावा होता है, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इन चुनाव में हम जीतेंगे, जो भी सिंबल पर अगर जाएंगे तो की बात है। दर्शक मेरे साथ रणबीर रोहतक से है। रणबीर जी बहुत स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। शमशेर जी बड़ी अच्छी बात है, चुनाव हो जाए, शायद हमारे गाँव की और इन रोडों की सूझ ली जाए। जी दमदमा साहब हमारे छोटे भाई जैसे है, ये भी रोडों पर निकलते हैं। देखिए दमदमा साहब आज गड्ढों में रोड को ढूंढना पड़ रहा है, ऐसी हालत है। आप किसी भी शहर में निकलकर देख सकते हैं, चारों तरफ ये सच्चाई है। दूसरा दमदमा साहब, मैं एक और आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपने दिल से बताएं आप, क्या नेताओं को पेंशन दी जाती है? ये कौन से बॉर्डर पर खड़े हैं, बर्फ में खड़े हैं? और आम आदमी के लिए जो बुढ़ापा पेंशन, उसमें भी कंडीशन लगा दी जाती है। नेताओं को एसी दिए जाते हैं, गाड़ी दी जाती है, बच्चों के लिए गाड़ियां घूमती है, मैडम के लिए गाड़ियां घूमती है, विदेशों तक मेडिकल फ्री है, ऐसी क्या क्यों दी जा रही इतनी बड़ी सुविधा? जो जवान बॉर्डर पे खड़ा है, आसाम राइफल का है, बीएसएफ का है, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। क्या आप लोगों की आत्मा नहीं दुखती पेंशन लेते हुए इन मंत्रियों की, नेताओं की? सबसे पहले कानून हमारे अपने ऊपर लागू करना चाहिए, उसके बाद में जनता पर करना। ठीक है रणवीर जी, आपके सवाल का जवाब लेते हैं, बहुत शुक्रिया अपने सवाल को आपने पूछा। एक दर्शक और मेरे साथ नरेश जीन से। नरेश जी स्वागत है आपका। हाँ जी सर जी, सर जी ये ना चुनाव कब है? अभी अप्रैल को लेकर संभावना जताई जा रही, अप्रैल में होंगे, हालांकि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, निकाय चुनाव की बात हम कर रहे हैं। आपका सवाल क्या है इसके अलावा? यही पूछना था सर मैंने जी, कौन सी डेट फिक्स नहीं हुई? नहीं, अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया नरेश अपनी बातचीत के लिए, अपने सवाल के लिए। दमदमा साहब जो सवाल उठाए हैं अभी आपने सुना ना, उनका यह कहना था कि विकास को लेकर जो दावा किया जा रहा है, विकास हुआ नहीं है, सड़कों को लेकर बात हो रही है। एक तरफ एक दर्शक का भी कॉल आया, उनका यह कहना था कि सड़कों में गड्ढे ढूंढे, गड्ढों में सड़क ढूंढे, ऐसे सवाल आ रहे हैं। दमदमा साहब इन्होंने बड़े उससे बताया कि एक ही हल्का है हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं, और बड़े भाई हैं हमारे, शहर में रहते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताऊंगा, जो इस धरने का इन्होंने आज का नाम दिया है कि लोगों ने धरना दिया, मेरे पास वीडियो सिरे से बताऊंगा कि सिर्फ ये कांग्रेसी लोग बैठे थे धरने के ऊपर, और वो भी सिर्फ नगर परिषद चुनाव की तरह ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, इस चुनाव को भी यहाँ पे अपना ध्यान अट्रैक्ट किया जाए तो ये चुनाव के लिए बैठे थे। अदरवाइज आज से आप 4 महीने 3 महीने पहले देखिए रोड की कंडीशन ऐसी थी, किसी एक भी कांग्रेसी ने कोई आवाज उठाई हो, लेकिन कभी गड्ढे भरने की बात करते हैं, कभी पौधे लगाने की। ये मतलब की कांग्रेस एक प्रकार से जनता को भ्रमित, जब पता है कि इसके लिए 14.35 करोड़ रुपए इनके 14 करोड़ 35 लाख रुपए इसके मंजूर हो चुके हैं, और जो टेंडर है जो इंद्र सिंगला जी ने कहा है वो टेंडर आपके सामने, मैं आज आपको ऑन एयर चैनल के ऊपर कहता हूं कि हम इसका काम मार्च के अंदर हम शुरू करवा देंगे, जो टेंडर की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाए। और गड्ढे करने की भी बात है कि ये धरने पर बैठ के लिखते हैं कि गड्ढे चाहिए, और गड्ढे भरने का काम उससे पहले शुरू हो चुका था, ये पिंजौर से लेके मल्ला मोड़ से लेके उस जो कालका की मेरा सवाल उठा था, वैसे तो डिबेट पूरे प्रदेश की है, लेकिन मैं इनका ध्यान दिला दूं कि वो गड्ढे भरते हुए यहाँ मल्ला मोड़ से पिंजौर से कालका की तरफ आ रहे थे, जब इन्होंने देखा कि बाजार में आने वाले हैं, शहर में आने वाले हैं, हमारी राजनीति कहां जाएगी, तो ये जाके एसडीएम साहब के दरबार में बैठ गए। हमारा आज भी गड्ढे भरने का पीडब्ल्यूडी ने कार्य किया है, और मैं आपको ऑन एयर चैनल पर कहता हूँ कि 2022 में जो 6-7 किलो लंबी कालका पिंजौर की लाइफ लाइन है सड़क है, इसको हम 2022 में ही तैयार करके इनको देंगे। रही बात पूरे प्रदेश की, मैं मानता हूं कि पूरे प्रदेश में कई जगह स्थिति नहीं है ठीक, लेकिन आज सड़कों के ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर
सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है कि जो रोड है वो सही हो, उनके टेंडर प्रक्रिया है, कहीं जगह लिटिगेशन हो किसी चीज की, वो बात अलग है कि लिटिगेशन में थोड़ा लेट हो सकता है, अदरवाइज पूरी प्रक्रिया खुलने के बाद चाहे कालका विधानसभा मोरनी के रोड हो, चाहे मेन रोड रायपुरानी का हो, चाहे सुखो मजरी बाईपास बद्दी को निकलने का काम हो, ये केंद्र की स्कीम के तहत है, रोडों का काम लगा हुआ है लेकिन उसके अंदर थोड़ा समय लगता है, कई बार मौसम के हिसाब से थोड़ा लेट हो जाता है। विकास के नाम पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैं गठबंधन की बात इसलिए करूंगा क्योंकि गठबंधन में आप लोगों ने और भी पहले कई चुनाव लड़ रहे हैं, दो उपचुनाव आप लड़ चुके हैं, पिछले नगर निगम, नगर परिषद, नगर निकाय के चुनाव भी आपने देखे, उसमें सात चुनाव हुए, उन चुनाव के नतीजे भी बहुत बेहतर गठबंधन के पक्ष में नहीं गए। मैं क्या मानकर चलूं कि वो जो चुनाव के नतीजे रहे वो विकास के नाम पर थे या किसी और वजह से थे? देखिए, विकास तो पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, इसमें कहीं ये कोई हल्का वाइज कोई क्षेत्रवाद के रूप में विकास नहीं हो रहा, लेकिन देखिए जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता तय करती है, उम्मीदवारों के ऊपर जनता अपना फैसला देती है और हर बार मैंडेट स्वीकार भी किया जाता है। इसी तरह से अब आज सरकार है हमारी, देखिए जब जो कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार इतने टाइम रहने के बाद वो वापिस भी तो गई है, लेकिन हम नहीं कहते वो जनता का मैंडेट था, जनता ने इससे पहले टर्म में भारतीय जनता पार्टी को चुना, अब जनता ने जजपा और भाजपा की सरकार है जो उसके लिए मैंडेट दिया, हमारे को 10 सीट दी है, तो ये जनता का मैंडेट है और जनता के मैंडेट के ऊपर कोई किंतु परंतु भी नहीं हो सकता। जो पिछले चुनाव जीत निकाय के उसमें 5 चुनाव गठबंधन जीता है, उसके बाद पंचकुला में हमारा बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अब हमारे जो निकाय चुनाव है ये सूक्ष्म इकाई और नीचे आ जाती है, वार्ड स्तर पर विकास करना प्राथमिकता है, हर गली का हर मोहल्ले का विकास हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और ये चुनाव विकास के नाम पे लड़ा जाएगा और हमारा मानना है कि इस टर्म के ऊपर पैसे की कोई सरकार पे कमी नहीं है, सरकार पूरी तरह से फंड देगी और जो स्थानीय निकाय है इसको निचले स्तर पे, चाहे वो एमसी लेवल पे हमारा मार्केट जो एमसी का चुनाव है, नगर पालिका का हो चाहे नगर परिषद का हो, इस पे हम मजबूती से लड़ेंगे और लोगों को विकास के लिए जागरूक करेंगे। विकास का दावा सरकार करती है, गठबंधन करता है, विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, हालांकि पहले के चुनाव के नतीजों की जहां तक बात है उनको अगर इसके साथ आंका जाए तोला जाए तो कहने के वहां पर एक कोई खालीपन दिखता है जिसको लेकर इस बार बीजेपी या गठबंधन भरना चाहेगा। दर्शक मेरे साथ हैं अजय सिंह पंचकुला से, अजय जी बहुत स्वागत है आपका। मेरा सर ये है कि बोल रहे हैं कि 22 जिलों में अपना लाल डोरा मुक्त कर दिया गया, मगर पंचकुला पिंजौर के अंदर हमारे को एचएमटी से उठाया गया, हमारी जमीनें तमाम सरकार ने ले ली, हमारे को मलकाना हक ये सरकार बोलती है, बिल्कुल ये मलकाना हक नहीं दिया, मतलब कागजों में यार पोस्टरों पे इनकी एडवर्टाइजमेंट है, हमारे को मलकाना हक नहीं दिया गया, रत्न कॉलोनी से है। अजय सिंह जी, जहां तक मुझे समझ में आया है कि लाल डोरा मुक्त की बात वो कर रहे हैं, कहां से इनको एक जगह से उठा दिया गया, मलकाना को जगह का नाम बता रहे हैं, बहुत बेहतरी से तो एचएमटी पिंजौर से हमारे को उजाड़ दिया गया, हमारी टोटल जमीन अक्वायर कर ली गई 1963 में। अजय सिंह जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप जुड़े और अपनी जो बात है दोबारा से रखें, आपके पास लौटूंगा, भाग सिंह जी से इस बात का जवाब लेंगे। सिंगला साहब, विकास के नाम पर ये चुनाव होगा, किस आधार पर चुनाव होगा देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मैंने संबल को लेकर चुनाव की बात की, पिछले चुनाव की जहां तक बात हम कर रहे हैं उसमें आप अध्यक्ष के पद पर चुनाव तो लड़ रहे थे, लेकिन जो छोटे स्तर की इकाई की जहां तक बात आती वहां तक क्यों नहीं चुनाव में जाना चाहते, क्या दिक्कत है, वहाँ क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी खुलकर सामने आती कि यहाँ भी संबल पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहाँ क्या प्रॉब्लम है? ये मीटिंग में निर्धारित होगा कांग्रेस पार्टी का क्या वो है। हमारी में अध्यक्षा जी ने खुद कहा है कि जो सुझाव जमीनी स्तर से आएंगे उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा और जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। और दूसरा शमशेर जी, जनता तैयार बैठी है हरियाणा की, मैं विश्वास से कहता हूं, अपना गुस्सा उतारने के लिए, अपना रोष उतारने के लिए, ये जो विकास की मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये मनगढ़ंत किस्से हैं जो केवल अखबारी दावे हैं, जो केवल भाषणों में दावे हैं, सर जनता बदला लेने के लिए तैयार बैठी है, कांग्रेस पार्टी के लिए अपना मन बना चुकी है, हम हर यही तरह से बात करना चाह रहा हूं। सर, कांग्रेस पार्टी केवल अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ेगी, आपने कहा कि मीटिंग होगी, पता होगा पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था, मैं छोटे स्तर के सांपला धारवाड़ा उकलाना यहां पर निर्दलियों ने बाजी मारी थी, अब वो कोई कह रहा था हमने आशीर्वाद दिया, कोई दूसरा कह रहा था हमारा आशीर्वाद इनके साथ था,
ये स्थिति साफ हो जानी चाहिए ना, इसलिए तो सवाल पूछ रहा हूँ। जनता को पता चलना चाहिए कि राजनीतिक दल हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो खुलकर चुनाव में आएंगे या फिर बड़े स्तर पर चुनाव लड़ेंगे, छोटे चुनाव में सदर नहीं करेंगे, ये जानना चाह रहा था। वो देखा हमने निर्दलीय ने किस तरह से बाजी मारी। अगर आशीर्वाद की बात आती है तो आशीर्वाद देने की बात तो कांग्रेस पार्टी कर देती है, हमारा आशीर्वाद था हम जीत गए, लेकिन संबल पर चुनाव लड़ा जाता तो साफ हो जाता ना। अभी तो बड़े स्तर पर चुनाव होना है, क्यों नहीं इसके ऊपर विचार होगा? मैं आपसे क्या कह चुका हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, नीति निर्धारित करने का अधिकार मेरे पास नहीं। जो बैठक में निर्णय होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो कह रहा हूं सर, पिछले निर्णय की जहां तक बात है, पिछले निर्णय पर सवाल उठे थे, पिछले निर्णय पर ये सवाल उठे थे कि खुलकर कांग्रेस पार्टी नहीं आई, आशीर्वाद देने का दावा करते रहे। अब जनता को पता नहीं चल रहा ना कि कांग्रेस वाला जीता है, बीजेपी का जीता है, जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली है। आपने कहा कि मीटिंग होगी, वहां पर मीटिंग में सुझाव तो आप लोगों के होंगे ना, आप क्या सुझाव देंगे? जनता भी समझना चाहती है। हम चाहते हैं ये चुनाव सिंपल हो, अजय सिंगला का मत है, निर्णय पार्टी ले। यानी आपका यह मानना है कि छोटे निकाय की बात होती है, परिषद है, पालिका है, वहां पर पालिका में भी आप लोग जो है, पार्षद में भी आप सिंपल पर चुनाव लड़ने की कोशिश में, आपका यह मानना है? अजय सिंगला का मत, वोट इसी पक्ष में। ठीक है, दमदमा साहब, अजय सिंगला साहब का तो अपना मत है, आप लोगों का क्या मानना है? सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए, चेयरमैन पद के लिए आप लोग जाएंगे? ये चुनाव तो इस बात को भी कहीं ना कहीं तय करेंगे कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं प्रदेश में, उसकी तस्वीर साफ कर देंगे, गठबंधन की स्थिति क्या है प्रदेश में। तो क्यों नहीं आप लोग भी चेयरमैनी के अध्यक्ष पद के अलावा बाकी पार्षद स्तर पर चुनाव लड़िए ना, खुलकर आ जाइए जनता के बीच में, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए ना, साफ हो जाएगा कि कौन ऊपर कौन नीचे। शमशेद जी देखिए, मैं पार्टी के प्रवक्ता के साथ जिला अध्यक्ष पंचकुला की जिम्मेवारी में मेरे पास, और हमने अध्यक्ष पद पे तो क्लियर कहा है, हमने उसके बाद अपने सुझाव पार्टी को भेजे हैं कि कहना नहीं है कि जिस प्रकार मेरे भाई ने सिंगला जी ने कह दिया कि कोई जिम्मेवारी नहीं, एक वर्कर का और एक कार्यकर्ता का सुझाव भी होता है। हमने कहा है कि पार्षद स्तर का भी चुनाव तो एक निचले लेवल पर लड़ रहे हैं हम, जो एक पार्षद बनता है, यदि वो भी पार्टी सिंबल पर लड़े तो आपके इसके कहने में कोई फर्क ही नहीं है कि पूरे प्रदेश के अंदर अगले चुनाव की स्थिति साफ हो जाएगी। और ये एक पैमाना भी होता है, चाहे देखिए पक्ष में आए निर्णय, चाहे विपक्ष में दूसरों की तरफ जाए, एक पैमाना है चुनाव का कि जनता किस तरफ देख रही है, क्या मूड है, और इससे मूड मोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि जो 53 नगर पालिकाओं के चुनाव है, नगर परिषद के चुनाव है, इसके अंदर हो सकता है तब तक ये संख्या 55-56 भी पहुंच जाए, इसके भी अनुमान है, हो सकता है तब तक कुछ और ज्यादा 60 में भी, 55-60 के बीच में भी ये संख्या जा सकती है, जिस प्रकार काल का बाद में ऐड हुआ है, पहले ये 45 की संख्या थी, अब 53-54 पे पहुंच चुकी है 55 पे, तो और भी बढ़ सकती है। तो मेरा यही मानना है, हम जो अध्यक्ष पद का चुनाव है, इसमें जहां तक है पिछले तजर्बे देखे गए डींगे प्रवक्ता, इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव उस पर लड़ाए, लेकिन हमने अपनी तरफ से भी ऊपर कहा है कि जो पार्षद का चुनाव होगा उसे भी सिंबल पर लेकर आया जाए, ताकि जनता के अंदर वो अपनी बात रखे, पार्टी की नीतियां रखे कि हमारी पार्टी, ये तो एक कांग्रेस की रणनीति, ये तो जब से सिंबल पे लड़ना अब शुरू हुआ, इन्होंने सिंबल पे थोड़ा बहुत अध्यक्ष पद पे लेकर आए, नहीं तो जो जीतता था उसी को कह देते थे हमारा जीत करा गया है। तो ये बल्कि अलग ही है, जिन्होंने इतने 60 साल देश पे राज करने के बाद आज 7 सालों का हिसाब मांगने वाले आ जाते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि जागरूक लोगों को हिसाब भी मांगना चाहिए, लेकिन पहले थोड़ा अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमने आज कालका की बात सिंगला जी करते हैं, अरे भी सारी उम्र आपके चंद्रमोहन जी यहां से लगातार कितने टाइम विधायक रहे हैं, लगातार ही सरकार में रहे हैं, आज यदि कालका ये रोना रो रहा है तो उसके लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। ठीक है सिंगला साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं सिंगला साहब आपका आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल मेरा और रहेगा कि पिछले जो चुनाव हुए, लगभग जो जिस उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूं और जिन निकाय चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, वो एक ऐसे वातावरण में चुनाव है जब प्रदेश में किसान आंदोलन की एक लहर थी। अब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है और उसके बाद परिस्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ये चुनाव में कितना असर डालेगा इस पर नजर सबकी बनी हुई है। क्या कहेंगे दमदमा साहब इसको लेकर? वो परिस्थितियां कुछ और थी, अब माहौल कुछ और होगा। देखिए माहौल पूरा पक्ष में रहेगा सरकार के, क्योंकि ये चुनाव जनता भी चाहती है, जनता इस चुनाव को बड़े उस पर नहीं जाती कि हरियाणा की सरकार इससे कहां जा रही है, जनता चाहती है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। और देखिए इसमें अब मैं आपको एक बात बताऊं कि विकास का अधिकार तो चाहे वो विपक्ष का विधायक हो उसका भी उतने अधिकार है, चाहे वो कालका में हमारे विपक्ष के विधायक हैं, लेकिन जिन्होंने राजनीति ही नेगेटिव तरीके से करनी है, कोई प्रपोजल आती है उसको सोच के पॉजिटिव तरीके से नहीं लाना कि डेवलपमेंट का काम होगा, हर चीज में कटाक्ष करना है, इसलिए विपक्ष के विधायक या विपक्ष के लोग पीछे रह जाते हैं कि उन्होंने पार्टी लाइन पर। चलिए अभी इस दावे को लेकर तो मैं सवाल नहीं करूंगा कि कौन कितने सीटों पर जीतेगा, लेकिन एक छोटा सवाल मेरा सिंगला साहब आपसे भी रहेगा, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि वो जो चुनाव लड़ेगा उस परिस्थितियों को छोड़ती, इलाहाबाद उपचुनाव की बात हो
या फिर हम इन 7 निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं, इनको छोड़ दिया जाए, चाहे बड़ौदा उपचुनाव की बात हो, वो परिस्थितियां कुछ और थी, अब कुछ और तरीके का माहौल होगा, क्या माना जाए कांग्रेस पार्टी को इसको लेकर, क्या मानना है कि जो छाया है किसान आंदोलन की वो ढल चुकी है या अभी परिस्थितियां वैसी बनी हुई है? किसानों के साथ पूरी तरह से धोखा किया है सरकार। एमएसपी पर कमेटी बनाने के लिए बात हुई थी, अभी तक कमेटी नहीं बनी। पूरे हर्जाने की बात हुई थी या केस लेने के, वो प्रक्रिया कहते हैं लेकिन वो हुआ नहीं। आप क्या कह रहे हो, परिस्थितियां इनके अनुकूल हुई हैं और प्रतिकूल हुई। जनता हर रोज देखती है, हर रोज समझती है, उसके ऊपर निर्णय लेती है। एलनाबाद में हमारा रिजल्ट आया, हम हारे तो जीते तो आप नहीं। देखिए दमदमा जी, सरकार में बैठकर उपचुनाव हार जाना, सरकार में बैठकर उपचुनाव हार जाना सरकार की सबसे बड़ी विफलता होती है, चाहे वो बड़ौदा हो चाहे आपका एलनाबाद हो। हम मानते हैं हमारे हैं, हम सरकार में नहीं है, सरकार में आप लोग हो, और ये बहुत बड़ी मोहर होती है जनता की उसकी नीतियों के खिलाफ, उपचुनाव हार जाना। और जितने निकाय चुनाव हुए उसमें से पंचकुला को छोड़ के अधिकांश में आप लोग हारे, ये तो एक नमूना है, आने वाले समय में देखिए। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं रोकूंगा आप लोगों को। सिंगला साहब आपका भी शुक्रिया, दमदमा साहब आपका भी शुक्रिया। आज जिस मसले पर हम चर्चा कर रहे थे वो नगर ऐसे निकाय चुनाव को लेकर हम बात कर रहे थे, आने वाले दिनों में 55 से 60 नगर निगम, निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव होने हैं, और वो ये माना जा रहा है कि बजट सत्र के बाद जो उनका ऐलान हो सकता है। लेकिन पिछले जो चुनाव हुए थे, वो चाहे उपचुनाव हुए 2 विधानसभा के या फिर 7 निकाय चुनाव हुए, उनमें परिस्थितियां माहौल कुछ और था। उस वक्त किसान आंदोलन का जोर था प्रदेश में, लेकिन अब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ सरकार का ये दावा है कि विकास के नाम पर लोगों के बीच में जाएंगे। पर एक बड़ी बात हम जो आज पूछना चाह रहे थे वो ये थी कि क्या कांग्रेस पार्टी या फिर गठबंधन बीजेपी जेजेपी संबल पर चुनाव लड़ेंगे? तो ये तो लगभग साफ हो गया कि अध्यक्ष पद के लिए, चेयरमैन पद के लिए दोनों ही पार्टियां जो है संबल पर जाएंगी। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी तब हो जब सभी पार्टियां, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई उम्मीदवार क्यों ना हो, वो अपने पार्टी के संबल पर चुनाव लड़े। इंटरनेशनल लोकदल है, जननायक जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस से तमाम राजनीतिक पार्टी जो चुनाव लड़ने जा रही है, वो अगर संबल पर आती है तो ये साफ हो जाता है कि किस पार्टी को लोगों ने पसंद किया है, किस पार्टी को लोगों ने नापसंद किया है, किसको कितना वोट दिया है। अब इसको लेकर देखना दिलचस्प होगा कि सभी पार्टियां अपने स्तर पर चर्चाएं करेंगी, अध्यक्ष अपने स्तर पर चर्चा करेंगे, मीटिंग होगी, उस मीटिंग के बाद साफ होगा कि क्या बिल्कुल निचले पायदान तक, निचली सीढ़ी तक जो चुनाव है वो पार्षद तक का चुनाव भी जो पार्टियां अपने संबल पर लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। क्योंकि इसी के आधार पर शायद ये तय होगा कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में किसकी स्थिति बेहतर है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। और उसके बाद पंचायत चुनाव को लेकर तो सुगबुगाहट है ही, लेकिन वो तब होंगे जब कोर्ट का कोई फैसला आ जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।